नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या लाइफ पर और आप देख रहे हैं विद्या लाइफ की करियर काउंसलिंग सीरीज, जिसमें आपको शिक्षा में सही विकल्प की जानकारी और करियर गाइडेंस दी जाती है। मैं हूं कुमार विजेंद्र। दोस्तों, प्रिंट मीडिया उत्पत्ति, विकास एवं आज की स्थिति सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति, विकास एवं आज की स्थिति के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में मीडिया का विकास, इसकी मौजूदा स्थिति और मीडिया के बारे में फैला भ्रम पर। दोस्तों, आपका प्यार और सुझाव विद्या लाइफ को लगातार मिल रहा है, जो हमें मजबूत बना रहा है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप अपने विद्या लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए, क्योंकि विद्या लाइफ शिक्षा और करियर से संबंधित सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया ने देश को इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल रूप से समृद्ध बनाया है। प्रिंट मीडिया संचार के सबसे पुराने और बुनियादी रूपों में से एक है। दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं भारत में मीडिया के विकास पर। भारत में 19वीं सदी में आए औपनिवेशिक हुकूमत के तहत भारत की रूपरेखा में बदलाव और फैली अशांति, जो भारत के लिए चुनौती के समान थी, एक वह जो औपनिवेशवादी और दूसरा वह भारत के महापुरुष जो आजादी की प्राप्ति के लिए लोहा ले रहे थे। विश्व भर में लोहा लेने वाले क्रांतिकारी और भारत के आंदोलन और अभियान में न्यूज़पेपर यानी अखबार ने मुख्य भूमिका निभाई। आजादी से पूर्व जितने भी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, उन सभी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठने की बात कही जाती थी। लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अखबारों का पैटर्न बदलना और अब अखबारों में सभी क्षेत्रों के खबरों को महत्व दिया जाने लगा। अखबार अब टू एडुकेट, टू एंटरटेन, टू इन्फॉर्म के सिद्धांत पर चलने लगा। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन के माध्यम से टीवी का आगमन हुआ। टीवी के आगामी दौर से अखबारों को किसी प्रकार का भय नहीं हुआ था, लेकिन 90 के दशक में इंटरनेट के आने पर अखबारों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ साथ अखबारों ने अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया। जो न्यूज हाथों से लिखी जाती थी, उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। जहां पहले सारा काम मैनुअल होता था, वहां अब बहुत से काम में उनकी जगह कंप्यूटर ने ले ली, जैसे अखबार की डिजाइन बनाना, लेआउट बनाना, फॉन्ट आदि। टेक्नोलॉजी ने जिस गति से प्रगति की, ठीक उसी प्रकार अखबारों ने भी उसे अपनाने में देर नहीं किया। 21वीं शताब्दी में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना डिजिटल तकनीक अपनाए रह नहीं सकता। यह बात अखबारों पर भी लागू होती है। कई अखबारों ने अपने वेबसाइट बनाई, अखबारों को ई पेपर के फॉर्मेट में उपलब्ध कराया, लेकिन इन सब के बावजूद आज 2023 में भी प्रिंट मीडिया की महत्ता बरकरार है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC के एक आंकड़े के अनुसार अपने देश भारत में प्रिंट मीडिया का सर्कुलेशन 2006 में 3.91 करोड़ प्रतियां थी, जो 2016 में बढ़कर 6.28 करोड़ प्रतियां हो गई, यानी 2.37 करोड़ प्रतियां बढ़ी। 2016 तक प्रिंट मीडिया के सर्कुलेशन की दर 37% थी और लगभग 5000 करोड़ का निवेश हुआ था। अखबारों में सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तरी क्षेत्र में 7.83% के साथ देखने को मिली। वहीं सबसे कम वृद्धि पूर्वी क्षेत्रों में 2.63% के साथ देखने को मिली। सभी भाषाओं के अखबारों में हिंदी भाषा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अमेरिका में प्रिंट मीडिया देर से आया, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में प्रिंट मीडिया का विकास बहुत ही
तेजी से हुआ। प्रिंट मीडिया का विकास और भी अधिक तेजी से इसलिए हुआ क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान दूसरे देशों को अपने पक्ष में करने के लिए और उसके दौरान हो रहे क्षति की सूचना को देने के लिए अनेक देशों को प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC के 2021 के आंकड़े को देखने के बाद यह कोई भी नहीं कह सकता कि अखबारों का पतन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल आदि मीडिया का उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया के इतना पॉपुलर होने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें लोगों का शिक्षित होना सबसे बड़ा कारण है। जहां विकसित देशों में अखबारों के प्रति लोगों का रुझान घट रहा है, वहीं भारत में इसके विपरीत प्रिंट मीडिया का प्रसार बढ़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया के पतन और भ्रामकता पर। आज कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंट मीडिया का पतन हो रहा है। 2008 में जेफ गोमेज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम प्रिंट इज डेड था। इसमें उनके विचार के अनुसार प्रिंट मीडिया के लुप्त होने की संभावनाएं जताई गई थी। इनके अलावा प्रसिद्ध साहित्यकार रोज डावसन का मानना था कि प्रिंट मीडिया विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने इसका एक चार्ट रूपी चित्र बनाया। उसके अनुसार उसमें 2017 से लेकर 2040 तक अमेरिका जैसे संयुक्त देश और विश्व के समाचार पत्र विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इस समय ज्यादातर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। आज प्रिंट मीडिया भले ही बहुत ही धीमी माध्यम हो, परंतु यह आज के कंप्यूटर युग में भी प्रगति करता जा रहा है। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया का भविष्य उज्जवल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में विद्यालय आपके लिए इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, लीगल सेक्टर के अलावा भी कई विषयों पर बात करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। विद्या लाइव आपसे लाइक बटन को दबाने और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें और हाँ, साथ ही साथ विद्या लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा किसी विषय संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। विद्या लाइव आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहा है। शुक्रिया।